गुरुग्राम में एक पति पत्नी ने एक ही प्लाट को आधा दर्जन लोगों को बेच दिया और करोड़ों रुपए लेकर फरार हो गए। ये बंटी बबली इतने शातिर थे कि एक के बाद एक प्लाट के ऊपर एग्रीमेंट करते रहे और इसकी किसी को भनक तक नहीं लगी। फिलहाल इस पूरे मामले में स्टेट क्राइम में मामला दर्ज है और जांच चल रही है। गुरुग्राम के सुशांत लोक के सी ब्लॉक 531 ए प्लाट नंबर पर अमनदीप सिंह बेदी और रिपिका बेदी ने लोगों को उलझाकर एक ही प्लाट पर करीब आधा दर्जन लोगों से एग्रीमेंट करा लिया और सभी से करीब 125 करोड़ रुपए लेकर रफू चक्कर हो गई। यही नहीं, लोगों से एग्रीमेंट करने के बाद भी पति पत्नी ने बीडीआर कंपनी को ये पूरी जमीन बेच दी। इसके बाद जब इस पूरे मामले का चिट्ठा खुला तो तब कहीं जाकर पता चला कि सभी के साथ चीटिंग हो गई है और इस जमीन के नाम पर करोड़ों रुपए हड़प कर लिए गए हैं। 7 करोड़ रुपए की चपत लगाकर ये अमनदीप बेदी और रिपिका बेदी दोनों ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हैं। यही नहीं, कई बार शिकायत करने के बाद भी इस मामले में दोनों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। कोर्ट ने भी इन्हें भगोड़ा घोषित किया हुआ है और उसके साथ ही स्टेट क्राइम में दोनों के खिलाफ मामला दर्ज है। इसके बाद भी ये दोनों दिल्ली के आसपास करोड़ों रुपए का चूना लगाकर आराम की जिंदगी जी रहे हैं। रविंदर सहगल, सहगल साहब, कब आपने प्रॉपर्टी खरीदी? और सर इनसे 5 जून की 2013 की बात है। सर इन्होंने प्रॉपर्टी बना रहे थे, इनसे मैंने एग्रीमेंट टू सेल कोर्ट में रजिस्टर्ड कराया ग्राउंड फ्लोर विद बेसमेंट का। इनको एडवांस मनी दी, इन्होंने टाइम मांगा जो साल डेढ़ साल का नॉर्मल बिल्डर का हमारी डेट हुई। सर हमने रिपिका बेदी जी एंड अमन बेदी उनके हस्बैंड ने उनसे प्रॉपर्टी ली सितंबर 2012 में। हमारी डेट ऑफ कम्प्लीशन थी सितंबर 2013, बट क्योंकि वो काम नहीं कर पा रहे थे और कोई ना कोई रीजन था, कभी फैमिली में किसी की डेथ हो गई, कभी कोई बीमार है, वो एक्सटेंशन लेते